देख रही हो गुलाबो, तुम्हारी वजह से एक हंसते खेलते परिवार की क्या हालत हो गई। इसको बोल के कुछ फायदा नहीं है अंजलि भाभी, देखो कैसे बेशर्म की तरह खड़े खड़े तमाशा देख रही है। और नहीं तो क्या, क्या मजा तुझे? पता नहीं वो कौन सी घड़ी थी जब ये हमारे सोसाइटी में आ गई। आज तुम्हारी वजह से हमारी सोसाइटी को नजर लग गई है। ये तो अपने गोकुलधाम सोसाइटी में सुसाइड करने की धमकी दे रही है। इमोशनली ब्लैकमेल। हे भगवान, इसका कोई भरोसा नहीं है, तो कुछ भी कर सकती है। अरे जेठालाल भाई रुक जा भाई, तुम्हारा नहीं तो बिचारे भिड़े का तो सोचो। अब पिड़ो सोसाइटी का सेक्रेटरी है, कुछ ऊंच नीच हो गई तो ये फंस जाएगा। प्लीज जेठालाल, प्लीज जेठालाल, प्लीज मेहरबानी करो रुक जाओ भाई प्लीज। रुको मालिक है, रुको, आ रहे हैं। गुरुजी जरा थोड़ा रिवर्स। चलो आन दे। आ जाओ वापस। आइए जगह दीजिए। देवी यह क्या पागलपंती है, आप मुझे शांति से सन्यास भी नहीं लेने दोगी? अरे इतनी दौलत तो आपके नाम कर दी है कि पूरी जिंदगी आप आराम से बिता सको, और क्या चाहिए? नहीं, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरे को सिर्फ मेरे साहिबा का साथ चाहिए। बिना साहिबा के ये दौलत उस बर्फ की तरह है जिसमें पानी तो है पर प्यास नहीं बुझा सकती। मेरे को कोई केस नहीं जीतना, और अगर जीत भी गई तो क्या फायदा? मैंने ये केस किया था आपके साथ अपना संसार बसाने के लिए, आपका संसार छुड़वाने के लिए नहीं। पर अब क्या कर सकते हैं, मैं तो संसार छोड़ चुका, सन्यास ले चुका। मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप संसार में वापस आ जाइए और गृहस्थी बसा लीजिए। आपके साथ गृहस्थी नहीं बसानी थी, इसीलिए तो मैंने सन्यास लिया है। हाँ तो मैं क्या कह रही हूँ कि मेरे साथ गृहस्थी बसाइए। तो अभी किसके साथ बसाऊँ? मेरी बहन के साथ। बहन भी? पूरा परिवार यही बिजनेस में लगता है। तो वो कौन है? दया बहन। हाँ। और हमारी जो शादी हुई है वो उसका क्या? वो असली शादी कहाँ थी, वो तो शूटिंग की शादी थी। फिर से बोल। वो असली शादी नहीं थी, वो शूटिंग की शादी थी। और एक बार बोल। असली शादी नहीं थी, वो शूटिंग की शादी थी। अरे
सुना ज्वाला मैडम, सुना क्या कहा आपकी मुवक्किल ने? हमारी शादी शूटिंग की शादी थी, असली शादी नहीं थी। गुलाबो, देखो गुलाबो, घबराओ मत, अपना बयान बदलने की कोई जरूरत नहीं है, केस हम ही लोग जीतेंगे। लेकिन मेरी इनसे शादी हुई नहीं है, तो फिर हम केस कैसे जीत सकते हैं? हाँ। वाह, इसका मतलब तुमने हमसे इतना बड़ा झूठ बोला। हाँ गुलाबो, तुम पे तो बहुत बड़ा फ्रॉड का केस होना चाहिए अब, और होगा। फ्रॉड क्या, जितने केस है सब करेंगे तुम पे। गुलाबो, ये तुमने ठीक नहीं किया। हम दिन रात लगातार मेहनत करके तुम्हें न्याय दिलाने की कोशिश कर रहे थे, और तुमने हमसे इतना बड़ा झूठ बोला, और तुम्हारी वजह से एक सुखी संसार उजड़ गया। तो तू शांतम शांत। ज्योति जी, ज्वाला जी, मेरे को माफ कर दीजिए, लेकिन मैं क्या करती, शूटिंग की शादी के बाद मेरी किसी से शादी हो ही नहीं रही थी। तो इसीलिए तुमने जेठा भाई को फंसाने की कोशिश की? हाँ, ये तो बिल्कुल सही बात नहीं है। नहीं हाथी भाई, मेरे को इनको फंसाना नहीं था। तो फिर? मुझे तो बस एक पति चाहिए था। उसके लिए ये तरीका अपना? शादी के लिए क्या क्या करते हैं लोग। लेकिन गुलाबो, तुम्हें सिर्फ एक पति ही चाहिए था, तो तुमने हमारे जेठा भाई को क्यों परेशान किया? मैं क्या करती अंजलि भाभी, शूटिंग की शादी के फोटो सभी गांव वालों ने देख लिए थे, और सबको यही लगा कि मेरी शादी हो गई है, और मेरा पति मेरे को छोड़ के भाग गया है। कोई मुझसे शादी करने को तैयार नहीं था। मुझे भी संसार का सुख चाहिए था। मैं भी चाहती थी कि मेरा एक पति हो, सुखी संसार हो। फिर मैंने सोचा, जिनकी वजह से कोई मुझसे शादी नहीं कर रहा, अब उनको ही मुझे अपनाना होगा। इसलिए मैंने ढूंढते ढूंढते यहाँ चली आई, और इनको पाने के लिए शूटिंग की शादी को असली शादी बताई। आप सभी लोग मुझे माफ कर दीजिए। सुखी संसार पाने के लालच में मेरे से बहुत बड़ी भूल हो गई। अरे लेकिन अब माफी मांगने से क्या फायदा? तेरे इस नाटक की वजह से मेरा जेठिया तो हाथ से गया ना। कहाँ गया? अरे क्या कहाँ गया, तूने तो संन्यास ले लिया है ना मनुष्य। बाला जड़ानंद महाराज की। जय बबीता जी। अय्यर, सॉरी। अरे बहुत चुप क्यों हो गया मनुष्य? सॉरी 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 बापूजी। हाँ सॉरी, सबके सामने मैंने आपको मनुष्य बोल दिया, लेकिन अगर ऐसा बर्ताव मैं नहीं करता तो सबको यकीन नहीं होता कि मैंने सच में संन्यास लिया है। वास्तव में मैंने कोई संन्यास बन्यास लिया ही नहीं है। क्या कहते? हाँ, तो फिर ये सब के? जैसे लोहा लोहे को काटता है, ठीक उसी तरह एक नाटक को
दूसरे नाटक ने काट दिया। वाह वाह वाह। अच्छा तो ये सब नाटक था? हाँ था। तुझे क्या लगा मैंने सच में संसार छोड़ दिया? टबू मैंने सुब सुब बोलिया। वैसे टबू के पापा आपको ऐसा नाटक करने का सुझाव कैसे? तेरी आपकी वजह से। मेरी वजह से? हाँ। अरे ये गुलाब वो एक तो मान नहीं रही थी, आज कोर्ट की तारीख थी तो उसी टेंशन में कल रात को मुझे नींद नहीं आ रही थी और तब अगर गुलाबड़ी केस जीत गई तो मैं संसार छोड़कर सन्यासी हो जाऊंगी। और ये सुनते ही मुझे सन्यास लेने के नाटक का आइडिया आया। वाह थैंक। और सुबह सुबह 5 बजे मैं घर से निकल गया और नट्टू काका और बाघा की मदद से इस पूरे नाटक को रचा। रे क्या ये भी पता है? यस सेठानी जी। अच्छा नट्टू काका बाघा भाई आप भी इस नाटक में शामिल थे? यस सेठानी जी। अरे वाह सुबह आप रक्षा पोटली लेकर ऐसे आए जिसे आपको कुछ पता ही नहीं है। और बाघा वो मोबाइल पे फोन करो जेठालाल को। वाह सेठानी जी अकॉर्डिंग टू अवर प्लानिंग तभी से हम दोनों चाचा भतीजा की एक्टिंग चालू हो गई थी। वाह वाह अब तो कमाल के कलाकार निकले। हाँ सेठानी जी हमारा आकार ऐसा है लेकिन हम कलाकार बड़े ऊंचे हैं। सही बात है। सही बात। अच्छा इसीलिए जब हम लोग पापा को मना रहे थे तब आप दोनों चुपचाप खड़े थे, पापा को मनाने की जरा भी कोशिश ही नहीं कर रहे थे। राइट तो छोटे सेठ जी आप बिल्कुल ठीक समझ गए। लेकिन जेठा जी अगर गुलाबो नहीं मानते तो? वैसे आपने तो बहुत बड़ा रिस्क उठाया। हाँ रिस्क तो मैंने बहुत बड़ा उठाया लेकिन अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए और कोई रास्ता भी तो नहीं था। डूबता हुआ आदमी अपने आप को बचाने के लिए हाथ पैर तो मारता ही है ना। मतलब इन शॉर्ट दया भाभी बनी जेठालाल की प्रेरणा भाभी। प्रेरणा। लेकिन ये बबूचक ये सब नाटक ही था तो ये मुंडन क्यों करवाया? बापू जी मैंने मुंडन करवाया ही नहीं है। दिख रहे फिर भी झूठ बोल रहा है। अरे बापू जी ये मुंडन असली नहीं है। मतलब तूने मुंडन से भी नाटक करवाया? हाँ एक मिनट। अरे वाह अरे भाई जेठालाल बच गए। बाल ना होने से जीवन में बहुत समस्या होती है। इसे कहते हैं बाल बाल बचना। नहीं जेठालाल तुम्हारा नाटक तो समझ में आया लेकिन ये सब मंडली कौन है? नाटक के कलाकार? वाह भीड़े भाई वाह क्या पारखू नजर है आपकी। ये सब मेरी दोस्त की नाटक मंडली के कलाकार हैं। अच्छा भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है। क्या बात है। बहुत अच्छा तेरी खुश। पहली बार बिना पैसा खर्च के नाटक देखा है। जेठालाल तुम सन्यासी बनने का नाटक कर रहे थे तो फिर मैंने जो दक्षिणा तुमको दी थी वो 501 रुपए वापस दो। अरे भाई आपने वो दक्षिणा तो जेठानन को दी थी जो टकलू था। मैं तो जेठालाल हूँ मेरे बाल भी है।
अरे रो मत भाई, रो मत अय्यर भाई, वो आपकी दक्षिणा आप वो चंपकलाल से वापस ले लेना। मतलब वो गुरुजी गुरुजी वो जो चंपानंद जी बने थे ना, वो उनसे ले लेना। हाँ उनका नाम भी चंपकलाल है, मैं भूल गया था। वैसे एक बात तो है जेठा, एक्टिंग करने के चक्कर में तुम फंसे थे और एक्टिंग करके इससे बाहर निकले। अरे वाह, ये तो मैंने सोचा ही नहीं एक लेखक ही ऐसा सोच सकता है। वाह 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 जेठा ब्रा, ओ क्या जबरदस्त धमाकेदार दासू अवार्ड विनिंग एक्टिंग करते हो। ओ पंजाब जलंधर में मेरा दोस्त राजन है, ओ बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है, ओ कहो तो उससे आपकी एक्टिंग के लिए बात करूं। ए नहीं भाई नहीं, ए ओए पापा जी, ए जटिया खबरदार जो एक्टिंग का नाम लिया तो। नहीं नहीं कौन खोख, सपने में भी नहीं करूंगा बापूजी एक्टिंग। छोटे भाई क्या बोल रहा है। मैं जेठालाल फिल्म की बात छोड़ो, अब ये सोचो कि इसको क्या सजा देनी है। मुझ कुंवारे मासूम पत्रकार पर गलत इल्जाम लगाया कि मैं आलू में चिट्ठी लपेट कर फेंकता हूँ। उस दिन से बेचारे ने आलू नहीं खाया है। मतलब सजा मिलनी जरूरी है। मैं तो है कि है यार, देखो क्या लेने देना, छोड़ना, कोई और सब्जी खाली होगी। हाँ कुछ नहीं, जो सजा देनी है दे दीजिए, मैं हंसते हंसते सह लूंगी। मैंने आप सबको बहुत परेशान किया है, फिर भी आप सब ने मेरे साथ कभी भी असभ्य बर्ताव नहीं किया। मैंने आप दोनों को बहुत परेशान किया, मैं हाथ जोड़ती हूँ, मेरे को माफ कर दीजिए। बेन, मेरी माँ हमेशा कहती है माफी से बड़ा कोई दान नहीं होता, और मटकुंडा में शूटिंग का फाटो की वजह से तुम्हें जो तकलीफ हुई वो हम भी समझ सकते हैं। टिप्पू के पापा गुलाबों को माफ कर दीजिए। ठीक है दया, तू कहती है तो माफ कर देता हूँ। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। अब सब भी गुलाबों को माफ कर दीजिए प्लीज। ठीक है माफ कर दिया। ये सब लोग भले ही तुम्हें माफ कर दे, लेकिन मैं कभी नहीं माफ करूंगी, तुम्हें जेल भिजवा कर ही रहूंगी। हाँ ज्वाला बहन, अब आप मुझे जेल ही भेज दीजिए। हम मेरे जीवन का कोई उद्देश्य नहीं, कोई मुझे नहीं अपनाएगा, कोई मुझसे शादी नहीं करेगा, मेरे लिए जेल ही ठीक। तो मित्रों जेठालाल के सन्यास नाम की गुगली से आखिरकार गुलाबों के झूठ का विकेट उड़ ही गया। बहुत बहुत धन्यवाद ईश्वर का कि जेठालाल इस मुसीबत से बाहर आ गए, मेरे परम मित्र इस आफत से बच गए। लेकिन गुलाबों की मनस्थिति भी हम लोगों को समझ में आती है, इसीलिए हमने उसे माफ कर दिया। वैसे माफ करने वाला हमेशा बड़ा होता है, और माफी मांगने वाले से दुश्मनी का नहीं दोस्ती का व्यवहार किया जाना चाहिए। और अब यहाँ स्थिति यह है कि गुलाबों को माफ कर दिया गया है, और अब देखना यह है कि क्या होगा गुलाबों के साथ। मौका है वारदात पे कुंवारे पोपटलाल भी मौजूद है। अब कौन थामेगा गुलाबों का हाथ, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो जाए कि कुंवारे पोपटलाल के जीवन में शादी की शहनाई बज उठे। आपको क्या लगता है, क्या पोपटलाल के जीवन में शादी की शहनाई बजेगी या कोई और दिल वाला दुल्हनिया ले जाएगा? अब कौन बनता है गुलाबों का साहिबा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन आपके घर में हंसी गूंजती रहेगी साहिबा, देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। हेलो दोस्तों, आपको तारक मेहता का उल्टा चश्मा के अपडेट सबसे पहले चाहिए ना, तो चलिए YouTube सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें।